हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीएस एजुकेशन में। गाइस, आज जो हम पैराग्राफ लेकर आए हैं, आज का पैराग्राफ होगा नाग पंचमी के ऊपर, क्योंकि आने वाले कल मींस टुमारो नाग पंचमी है। तो हम कुछ लाइंस नाग पंचमी के ऊपर रीड करेंगे और इंग्लिश रीडिंग करके हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और देखेंगे कि आज हमें कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और रीड करते हैं। तो टॉपिक है हमारा नाग पंचमी। नाग पंचमी, एज द नेम सजेस्ट, एज मीन्स जैसा कि, द नेम मतलब नाम, सजेस्ट मतलब बताता है या नाम के द्वारा पता चलता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द नाग पंचमी इज अ फेस्टिवल इन विच पीपुल वर्शिप द स्नेक। द नाग पंचमी, नाग पंचमी इज अ फेस्टिवल, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, फेस्टिवल मतलब त्यौहार। नाग पंचमी एक त्यौहार है, इन विच जिसमें, इन मीन्स में, विच मीन्स जिस, जिसमें पीपुल मतलब लोग, वर्शिप मतलब होता है पूजा करते हैं, द स्नेक सांप की या फिर नाग जिसे हम कहते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, एज द नेम सजेस्ट द नाग पंचमी इज अ फेस्टिवल इन विच पीपुल वर्शिप द स्नेक नाग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नाग पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग नाग की पूजा करते हैं। इट इज ए बाथिंग फेस्टिवल, इट इज ए बाथिंग फेस्टिवल, इट मीन्स या इज मीन्स है, ए बाथिंग फेस्टिवल मतलब नहाने वाला त्यौहार, बाथिंग मतलब होता है नहाने वाला, फेस्टिवल मतलब त्यौहार, यह नहाने वाला या स्नान करने वाला त्यौहार है ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं का, विच इज सेलिब्रेटेड, विच मीन्स जो कि, इज मीन्स है, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, ऑन द फिफ्थ डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ श्रावण, सावन के शुक्ल पक्ष के पंचमी को, मतलब फिफ्थ डे पंचमी को सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, यह श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह एक नहाने वाला या स्नान करने वाला त्यौहार है हिंदुओं का, जिसमें जो कि, विच इज सेलिब्रेटेड, जो कि मनाया जाता है श्रावण मास के पंचमी के दिन। दिस इज द डे व्हेन, जब लॉर्ड कृष्णा ओवर पावर्ड द सर्पेंट कालिया। दिस इज द डे, यह वही दिन है, व्हेन मीन्स जब, लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण ने ओवर पावर्ड मतलब विजय प्राप्त किया था द सर्पेंट कालिया, कालिया नाग के ऊपर। यह वही दिन है जब श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के ऊपर विजय प्राप्त किया था। द फेस्टिवल फॉल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, द फेस्टिवल फॉल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, द फेस्टिवल मतलब त्यौहार, फॉल्स मतलब आता है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन बारिश के मौसम के दौरान, एंड इट सेलिब्रेटेड टू काउंटर द इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्नेक बाइट ड्यूरिंग दिस टाइम। इट सेलिब्रेटेड, एंड इट सेलिब्रेटेड, और यह मनाया जाता है टू काउंटर द इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी, टू काउंटर मतलब कम करने के लिए या सामना करने के लिए, इंक्रीज बढ़ते हुए पॉसिबिलिटी में संभावना को ऑफ ए स्नेक बाइट मतलब सांपों की, सांपों की बढ़ती हुई संभावना से निजात पाने के लिए इसको मनाया जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय मतलब कि बरसात के सीजन में सांपों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए
उससे बचने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, अवेयरनेस के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपुल कीप फास्ट। ऑन दिस डे इस दिन पीपुल मतलब लोग, कीप मतलब रखते हैं, फास्ट मतलब व्रत। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, उपवास रहते हैं। ऑर्गेनाइज बाथिंग फेयर्स, नहाने वाले मेले को मनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब तैयार करते हैं। नहाने वाले मतलब नहान वाला मेला लगता है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदियों के किनारों पर लोग नहान लगाते हैं, नहाने का मेला लगता है और इस दिन लोग व्रत रखते हैं। एंड विजिट टेम्पल्स, और मंदिर जाते हैं। स्पेशली डेडिकेटेड टू स्नैक्स, किस मंदिर जाते हैं? स्पेशली जो कि डेडिकेटेड टू स्नैक्स, सांप के लिए ही बनी होती है, उन मंदिरों में लोग जाते हैं। एंड वर्शिप देम, और उनमें पूजा करते हैं। इन साउथ इंडिया पीपुल क्राफ्ट इमेजेस ऑन स्नैक्स यूजिंग काउ डंग। इन साउथ इंडिया दक्षिण भारत में पीपुल क्राफ्ट, लोग बनाते हैं इमेज तस्वीर को ऑफ स्नैक, सांप के तस्वीर को बनाते हैं यूजिंग काउ डंग। किस चीज़ से बनाते हैं? काउ डंग मतलब कि गाय के गोबर का प्रयोग करके लोग साउथ मतलब दक्षिण भारत में लोग गाय के गोबर से नाग बनाते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द, और दूसरी तरफ, ऑन आइदर साइड दूसरी तरफ ऑफ द एंट्रेंस ऑफ हाउस, घर के प्रवेश के, टू वेलकम द स्नैक गॉड मतलब कि सांप भगवान का स्वागत करने के लिए अपने घर के सामने, उनका स्वागत करने के लिए घर के सामने गाय के गोबर से सांप का तस्वीर बनाते हैं। सम पीपुल वर्शिप स्नैक बाई ऑफरिंग, कुछ लोग सांप की पूजा करते हैं बाई ऑफरिंग राइस फ्लोर एंड मिल्क। ऑफरिंग, बाई ऑफरिंग मतलब चढ़ाते हुए राइस चावल को, फ्लोर आटों को, एंड मिल्क और दूध को। प्लेस्ड नियर होल्स, अपने पास के बिल के पास मतलब आपके अपने पास के होल्स के पास, वहाँ पर ले जाकर के कुछ लोग चावल दूध और आटा चढ़ाते हैं। वेयर स्नैक्स आर सपोज्ड टू ड्वेल, जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ स्नैक्स आर सपोज, सांप माना जाता है कि टू ड्वेल वहाँ पर रहते हैं, जहाँ ये माना जाता है कि सांप यहाँ पर रहते हैं, उन बिलों के पास लोग चावल आटा और दूध को भी चढ़ाते हैं। ऑन द नागपंचमी डे, नागपंचमी के दिन स्नैक्स आर नॉट किल्ड एंड फील्ड्स आर नॉट प्लग्ड टू अवॉइड इवन एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ ए स्नैक। ऑन द नागपंचमी डे, नागपंचमी के दिन स्नैक्स आर नॉट किल्ड, सांप नहीं मारे जाते हैं। एंड फील्ड्स आर नॉट प्लग्ड, और खेतों को भी नहीं जोता जाता है, टू अवॉइड इवन, इसलिए कि एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ ए स्नैक की, इस टू अवॉइड उसको हटाने के लिए, इससे दूर करने के लिए कि कहीं एक्सीडेंटल किलिंग ना हो जाए मतलब कि कहीं दुर्घटना बस कोई सांप ना मर जाए, इसलिए खेत को भी नहीं जोता जाता है इस दिन। इस दिन सांप को नहीं मारा जाता है और खेत को भी नहीं जोता जाता है, इसलिए कि कहीं उससे किसी सांप की मृत्यु ना हो जाए। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से भाग में, द ओकेजन इज सेलिब्रेटेड बाई सिंगिंग ऑफ कजरीज सॉन्ग्स बाई वुमेन एंड गर्ल्स। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से भाग में, द ओकेजन यह अवसर,
इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है बाय सिंगिंग ऑफ कजरी, कजरी को गा करके। कजरी एक प्रकार का गीत होता है जो सावन के महीने में गाया जाता है। तो बहुत से इंडिया के बहुत से पार्ट में कजरी गा करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। सॉन्ग बाय वुमेन एंड गर्ल, कौन गाता है? औरतें और लड़कियां कजरी गा करके इस त्यौहार को मनाती हैं। भारत के बहुत से भाग में ऐसा भी किया जाता है। तो आज हमने नाग पंचमी के बारे में कुछ लाइन्स पढ़ी हैं और आई होप कि आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा नाग पंचमी के बारे में, क्या क्या कैसे कैसे होता है, और बहुत सारे वर्ड भी हमें सीखने को मिले होंगे। तो वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।